चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बजट 2023 में दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की झलक। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ज्वेलरी, हाई ग्लास, पेपर सहित 35 चीजों पर बढ़ेगी कस्टम ड्यूटी। भारतीयों ने जो ठाना वो करके दिखाया, हमारे लिए पूरा संसार ही स्वदेश है, पीएम मोदी का बड़ा बयान। चीन पाकिस्तान खबरदार, 75 देशों में गरज रहे भारत के फाइटर जेट और हथियार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC ने बढ़ाई ब्याज दर, अब महंगा हो जाएगा आपका लोन। धर्मांतर पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की चिंता, कहा धर्म परिवर्तन गंभीर मुद्दा, इसे राजनीतिक रंग देना गलत। रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म करवा सकता है भारत, अमेरिका ने बताई पीएम मोदी की भूमिका। पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास विजन की हो रही पूरी दुनिया में भयंकर तारीफ। केंद्र सरकार की टीवी चैनलों को 2-2, कहा खून और शारीरिक हमलों से संबंधित फुटेज व तस्वीरें दिखाना करे बंद। फौज की कई सेवाएं आउटसोर्स करने पर विचार कर रही सरकार, कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किए जाएंगे, दिग्गज सेना में मेन पावर ऑप्टिमाइजेशन की सरकार की योजना। दिल्ली मेयर चुनाव पर मचा घमासान, आम आदमी पार्टी और बीजेपी हुई आमने सामने, सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। सोना ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचा, 10 ग्राम सोने का दाम 56,336 रुपए, इस साल 64,000 तक जा सकती है कीमत। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बने सरकारी पैनल को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी, चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। पंजाब और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सुरक्षा के होंगे अवैध इंतजाम, एजेंसी अलर्ट। सर्दियों में रात में अगर स्वेटर पहनकर सो जाते हैं तो हो जाए सावधान, सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर। सशस्त्र बल के पात्र पेंशनरों को 15 मार्च तक हो एरियर का भुगतान, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए निर्देश। कोरोना ने ड्रैगन को किया बेदम, चीन में बढ़ते कोविड केसों के बीच भारतीय जेनेरिक दवाओं की बढ़ी मांग। राम मंदिर को लेकर अमित शाह के दिए बयान पर शरद पवार ने केंद्र को घेरा, कहा वास्तविक मुद्दों से भटका रही सरकार। देश में घने कोहरे और धुंध के चलते भारतीय रेलवे ने कैंसिल की 276 ट्रेनें, यात्रियों का किराया होगा वापस। जोशीमठ भू दशाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में आज सूचीबद्ध होगा मामला। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा एक नए भारत का उदय। वकीलों की नौकरी पर बढ़ा खतरा, अगले महीने पहली बार अमेरिका की एक अदालत में केस लड़ेगा पहला रोबोट वकील। भारत में कोरोना की स्थिति दुनिया में सबसे बेहतर, आज संपूर्ण विश्व हमारी ओर देख रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला का बड़ा बयान। सामान बेचने में बच्चे द्वारा माता पिता की मदद करना बाल श्रम नहीं, केरल हाईकोर्ट ने बाल श्रम को लेकर सुनाया बड़ा फैसला। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 मुख्य अतिथियों के बीच पीएम मोदी ने सम्मेलन का किया उद्घाटन, कहा विदेश में जब भारतीय मिलते हैं तो होता है श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास। भारत जोड़ो यात्रा, राकेश टिकैत सहित कई किसान नेताओं ने राहुल गांधी से की मुलाकात। देश दुनिया में बढ़ा कोरोना का खतरा, जापान में संक्रमण को लेकर वार्निंग जारी, एक्सपर्ट बोले 15 जनवरी के बाद मामलों में आएगा भारी उछाल। पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कुमार भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल, तो बीजेपी ने उठाए सवाल, कांग्रेस बोली बहादुर जवानों को कर रहे हैं बदनाम। रिलायंस जियो और एयरटेल करेगी बड़ा धमाका, पहले राउंड में ही 15 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी 5G सर्विस। युद्ध के लिए तैयार ड्रैगन ताइवान के समुद्री क्षेत्र के पास किया युद्धाभ्यास, बीते 24 घंटों में भेजे 57 लड़ाकू विमान। पठान ट्रेलर में शाहरुख संग नजर आएंगे सलमान खान, रिलीज से पहले मेकर्स का मास्टर स्टोक। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली का बड़ा बयान, कहा कोरोना वैक्सीन बनाकर भारत ने दुनिया को दिखाई जा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, भारत की ओर देख रही दुनिया विदेशी धरती पर आप राष्ट्रदूत। चीन में एक और वुहान बना है हेनान प्रांत, 90% आबादी कोरोना से ग्रस्त, तबाही का दौर जारी। बंगाल उत्तर पूर्वी देशों का गेटवे कोलकाता, सांस्कृतिक राजधानी G20 की बैठक में बोली सीएम ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को जाएंगे हैदराबाद, वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी।
जोशीमठ में खतरे का अलार्म प्रशासन ने घोषित किया। आपदा संभावित क्षेत्र आसपास के इलाकों में भी निर्माण कार्य पर लगाया बैन। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने चीनी मिलों को दिया अल्टीमेटम, कहा गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो मिलों के गेट पर होगी सभा। नए साल में शेयर बाजार को लगा बड़ा झटका, विदेशी निवेशकों ने निकाले 5,900 करोड़, चीन यूरोप में कर रहे निवेश। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी मेयर और स्थायी समितियों के चुनाव के लिए कांग्रेस से मांगा समर्थन। अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल के लिए फिर से होगी नीलामी, कई दिग्गज कंपनियों के बीच टक्कर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को मिले उपहारों को खरीदने का मौका, ऑनलाइन होगी नीलामी, मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल शुरू। एनसीपी नेता शरद पवार ने की राहुल गांधी की तारीफ, बोले कर रहे हैं कड़ी मेहनत, विपक्षी दलों को भी ला सकते हैं साथ। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की मांग, दूसरी जगह बसाया जाए, नया जोशीमठ पीड़ितों को भी दे मुआवजा। जयपुर डेयरी ने सरस दूध 2 रुपए लीटर महंगा किया, नए रेट आज शाम की सप्लाई से होंगे लागू। मेक इन इंडिया पहल न तो अलगाववादी, नहीं सिर्फ देश केंद्रित, राजनाथ सिंह। कोविड-19 के XBB.1.5 स्ट्रेन का नया मामला आया सामने, मामले की कुल संख्या बढ़कर हुई 8। बाढ़ के बहाने शहबाज शरीफ चले खेरात लाने, जिनेवा में पाकिस्तान मांगेगा $16 अरब का चंदा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा राजस्थान में कानून व्यवस्था बेहद खराब, खतरे में निवेश और पर्यटन। भारतवंशी अमेरिकियों से देश में निवेश का आह्वान, गोयल ने दी पीएम के मजबूत नेतृत्व व नीतियों की दुहाई। एमडी सीईओ पद पर सुरेंद्र चावला की नियुक्ति, इससे पहले संभाल रहे थे यह जिम्मेदारी। यूपी के कानपुर में जानलेवा ठंड से बीते 8 दिनों में 114 की हार्ट अटैक से मौत, कम उम्र वालों की भी जा रही है जान।